हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लोटस हर्बल से 13 ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट हैं जो आपके वैनिटी में, मेकअप वैनिटी में होनी चाहिए एवरीडे के लिए, एंड आप इन्हें ब्राइडल के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है उससे मैं सजेस्ट करूंगी, एंड दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। दिस इज लोटस हर्बल्स डिवाइन ड्यू 21 लव ड्रॉप सिंदूर। एंड ये जो सिंदूर है ये है एकदम टैंजरिन ऑरेंज रेड, और इसका प्राइस है 145 रुपीज। ये है लिक्विड सिंदूर, वेगन सिंदूर है, लेड फ्री है, और इसमें ना बिल्कुल भी शाइनी पार्टिकल नहीं है। बिल्कुल सेफ है ये आपकी स्किन के लिए, और जो लोग टाइनी और हर्बल लिक्विड सिंदूर लगाना पसंद करते हैं उनको मैं ये हाईली रेकमेंड करूंगी। ऐसे मैंने अपने चैनल पर 10 बेस्ट लिक्विड सिंदूर्स के रिव्यू किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको उन सब में बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगी ना, सबसे पहले मैं लोटस का सिंदूर सजेस्ट करूंगी, उसके बाद कलरबार का। बट दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड इसकी एक चीज और मैं बता दूं, इसमें ना मरून शेड भी आता है जो लोग रेड नहीं लगाना पसंद करते उनके लिए। सो इट्स ऑसम एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। इसमें कभी कभी 5 रुपीज इसका प्राइस बढ़ जाता है, कभी 10 रुपीज बढ़ जाता है, टाइम टाइम पे इसका प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है। स्टार्टिंग में तो ये 110 का ही आता था। अगला प्रोडक्ट है लोटस हर्बल्स इको स्टे काजल, एंड दिस इज 100% वेगन, 10 आवर्स स्टे करता है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 1.2 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, एंड 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये है मुझे ये मुझे इस पर 20% ऑफ मिला था स्टार्टिंग में, 20 या 15%, बिकॉज मैं मेंबर हूँ लोटस हर्बल्स की, मेंबरशिप ले रखी है, मैंने कार्ड बनवाया हुआ है आउटलेट पर, और ऐसे शायद इसका प्राइस 450 रुपीज है ऑनलाइन। दिस इज द काजल, इसका इंडिविजुअल रिव्यू भी मैंने किया है, एंड ये ना एकदम एक्सट्रीम जो जेड ब्लैक काजल होता है बिल्कुल वैसा ही है, और बहुत ही बढ़िया काजल है। बस ये पेंसिल काजल है, आपको शार्प करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसके लिए एक शार्पनर कैरी करना पड़ेगा। अगला जो प्रोडक्ट है लोटस का वो मोस्ट फेवरेट है। एक्चुअली ये सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपके डेली रूटीन का हिस्सा अगर आपने बना लिया तो आप इन्हें कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड दिस इज लोटस हर्बल सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है ये अल्ट्रा सूदिंग, ऑयल कंट्रोलिंग मैट लुक देता है, PA++ UVA के साथ आता है, SPF 50 UVB, एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए दिस इज परफेक्ट। बात करें विंटर्स की, बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो विंटर्स में भी ऑयली होती है, और नॉर्मल स्किन के लिए तो ये है ही। आप इसे बिफोर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज टोटली जेल बेस्ड फॉर्मूला, एंड ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल स्किन में ऐसे ब्लेंड हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। जी हाँ, तो ये है एकदम कमाल का, और इसमें ना दो पैक आते हैं, 295 का एक, 395 का। ये है 395 वाला, और ये है 100% वेगन फॉर्मूला, और आप इसे सुबह शाम अप्लाई कर सकते हो। आपको ये सन टैन से, सन बर्न से, प्री मेच्योर एजिंग एंड स्किन कैंसर से दूर रखेगा, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। इसमें बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं, लेकिन बेस्ट सनस्क्रीन मैं यही रेकमेंड करती हूँ हर किसी को, क्योंकि मैं पर्सनली यही इस्तेमाल करती हूँ, और सनस्क्रीन रोज लगाना चाहिए थोड़ा बहुत। अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोटस हर्बल्स स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ये लिप बाम ऐसा लिप बाम है, अगर आपके लिप्स डैमेज हो रहे हैं, डार्क हो रहे हैं, तो आपके लिप्स को ये सुपर सेफ बनाएगा। प्लस 145 रुपए का ही आता है ये, और पॉट में आता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये शेड होता है इसका, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको घर में तो कम से कम लिपस्टिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सुपर सेफ एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। इसे तो कम से कम मैं 10-15 साल हो गए मुझे यूज करते करते। बात करें अगले प्रोडक्ट की, ब्राइड्स के लिए भी मैं ये लिप बाम हाईली रेकमेंड करूंगी। अगला जो प्रोडक्ट है ये है लोटस मेकअप इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर, एंड दिस इज माय थर्ड प्राइमर, क्योंकि मैंने इससे पहले दो जो इसके ट्यूब हैं वो इस्तेमाल कर चुकी हूँ,
एंड ये है ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट, 100% वेगन है और ये ना 675 रुपीज़ का ही आता है। अगर आप मेंबरशिप आपने ले रखी है तो आपको सस्ता मिलेगा, या ऑनलाइन आपको इस पर डिस्काउंट मिलता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है, ये 30 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है। ऑयल फ्री फॉर्मूला तो देता ही है, फाइन लाइन्स को भर देता है, जिन लोगों के चेहरे पर बहुत सारी लाइन्स होती हैं उनको, और ये लार्ज जो पोर होते हैं उनको भरता है, इंस्टेंटली प्रिपेयर करता है स्किन को परफेक्ट मेकअप के लिए, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, सैटिन स्मूथ फिनिश देता है। विटामिन ई है जो कि आपकी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराती है, तो बहुत ही अच्छा है। प्लस सन डैमेज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आप एवरीडे अगर फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो तो क्रीम से पहले भी आप प्राइमर लगा सकते हो, एंड इसे कोई भी किसी भी प्रकार के स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं। और 675 में प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है, बिल्कुल सिलिकन बेस है ये। अगला जो प्रोडक्ट है लोटस का, एंड दिस इज माय फेवरेट बिकॉज दिस इज लिपस्टिक, दिस इज लोटस हर्बल्स मेकअप इको स्टे लिपस्टिक, शेड नेम इज 423 फ्लर्टी पिंक। यू कैन सी दिस इज ऑल टाइम फेवरेट न्यूड पिंक शेड, और इसमें जितनी भी इको स्टे रेंज में जो मॉइस्ट मैट लिपस्टिक आती हैं 575 इनका प्राइस है, बहुत ही अच्छी होती है, सुपर डुपर मॉइस्चराइजिंग और लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोटस मेकअप इको स्टे सुपर फिनिश मूज फाउंडेशन विद SPF 20, 745 रुपीज का है, 15 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और ये है वेगन प्रोडक्ट, फाउंडेशन है, मेड इन इंडिया है। इसे आप यू नो किसी भी स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है। शेड जो मैंने लिया है अपने लिए ये है रॉयल आइवरी, और ये शेड गेहूं कलर पर, जैसा कि मेरा रंग है, बिल्कुल सही लगता है, अच्छा लगता है। और दिस इज द फाउंडेशन, यू कैन सी स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद आप अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कॉम्पैक्ट लगाएं ही लगाएं, बट यू नो बात करें प्रोडक्ट क्वांटिटी की, थोड़ी सी कम है, और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कितना कम है इसके अंदर रखा हुआ है, तो इधर से तो ज़्यादा लगता है लेकिन इधर से आप देख सकते हैं सच्चाई, लेकिन बड़ा कम लगता है, तो लॉन्ग लास्टिंग है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है और सुपर डुपर ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। और अनदर मूज फाउंडेशन के रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रोडक्ट की, तो ये लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट आया है, दिस इज लोटस मेकअप इको स्टे बटर मैट पेंट पॉट लिपस्टिक, और ये है ऑरेंज पंच P10। जिन लोगों को परफेक्ट किस प्रूफ ऑरेंज लिपस्टिक चाहिए 349 रुपीज में, सो दिस इज द लिप कलर, और आप इसे एज अ लिप लाइनर, एज अ आई शेडो, एज एन आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। ये 3-in-1, 2-in-1 टाइप है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है, और इसका इंडिविजुअल रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, ये आई थिंक 2 महीने पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है और बहुत अफोर्डेबल है। यू नो बिल्कुल स्मज नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक ब्रश कैरी करना पड़ेगा बिकॉज फिंगर से ही उतना अच्छा लग नहीं पाता है। और अगला प्रोडक्ट जो है वो है लोटस मेकअप इको स्टे इंस्टा ब्लेंड 5-in-1 क्रीम कॉम्पैक्ट SPF 20, 725 रुपए का है। रॉयल आइवरी मैंने अपने लिए शेड लिया है, 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, मेड इन इंडिया है, 10 ग्राम प्रोडक्ट है, वेगन है, क्रूअल्टी फ्री है। और बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, ऐसा मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें ना इस तरीके से ये है प्रोडक्ट, इसमें मिरर जो है वो नीचे की साइड है दोस्तों, यहाँ पर स्पॉन्ज दिया हुआ है, और लेकिन इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि अगर आपको प्रोडक्ट खोजना है, आपके पास बहुत सारे कॉम्पैक्ट हैं, को आराम से दिख जाएगा। एंड दिस इज क्रीम कॉम्पैक्ट, तो आपको कंसीलर, प्राइमर और कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन एंड मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी द प्रोडक्ट इस तरीके से, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, और आप देख रहे हैं ऐसे स्किन में लगा करके आप स्पॉन्ज से ही ब्लेंड कर सकते हैं, स्किन में परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये आप इसके अगर 2 कोट लगाते हो तो कंसील कर देगा आपके ब्लैमिशेस को, सो दिस इज ओवरऑल अ ग्रेट प्रोडक्ट, और बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है क्योंकि बहुत कम खर्च होता है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है नेल पेंट लोटस की, अच्छी होती है एंड अफोर्डेबल होती है, 199 रुपीज की केवल, अगर आपका कार्ड होगा तो आपको सस्ती मिल जाएगी या डिस्काउंट पे होगी तो। और जो लिमिटेड एडिशन होते हैं वो ऑनलाइन देर से आते हैं, इसलिए आप हमेशा आउटलेट पर खोजें, और मैं जब भी लिमिटेड एडिशन का रिव्यू करती हूँ आप हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हो कि यू नो ये ऑनलाइन दिख नहीं रहा,
बार बार बताती हूँ कि आप आउटलेट पर चेक कीजिए अगर आपके शहर में है तो. दिस इज लोरस मेकअप इको स्टे हाई शाइन नेल इनेमल नेल इनेमल एंड शेड है इसका E61 कोरल क्रैक. इसमें तो 6-7 शेड ही निकले हैं लेकिन लोटस में एक शेड आता है 31 ब्लड रेड शेड है और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी. अगर लोटस का सबसे बेस्ट शेड है कोई तो वो है शेड नंबर 31 41 एंड 39 इस तरीके से, लेकिन 31 इज अमेजिंग. और ये है कोरल क्रैक E61. ओवरऑल ये भी बहुत अच्छी नेल पेंट है, बहुत ही हाई शाइन के साथ है तो विंटर्स में बहुत अच्छी लगेगी, फेस्टिवल्स या फिर यू नो जितनी भी वेडिंग फेस्टिविटी होती है उनमें. अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोटस मेकअप फिनिश अप मेकअप फिक्सर. एक्चुअली ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, इसका नाम बड़ा ही लंबा सा रख दिया है. और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ऑल स्किन टाइप है, ऑयल फ्री वेटलेस फॉर्मूला देता है फेस पर, स्प्रे के साथ आता है, बहुत ही टाइट सा इसका कैप है जो आराम से लग जाएगा, ट्रैवलिंग में बिल्कुल नहीं खुलेगा. पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छा है, कलर इसका बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, 475 ओनली एंड 70 ml इसमें प्रोडक्ट है. वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, रिसाइक्लेबल है और इनरिच्ड है इसमें इरिश मोज एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को एनर्जाइज करेगा, बूस्ट करेगा, हेल्दी ग्लो बनाए रखेगा और ऑयल को कम करेगा एंड मेकअप को इतना लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा कि आपका मेकअप ऑल डे रहेगा ही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टचअप करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो लोग मेकअप सेटिंग स्प्रे यू नो वीडियोज़ में देखते हैं लेकिन वो परचेज नहीं कर सकते या उन्हें पता नहीं है किस ब्रांड का लें, या जो बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड के हैं, हाई एंड ब्रांड के हैं, उनको नहीं अफोर्ड कर सकते जैसे कि मैक और बेनिफिट, तो आप लोटस में जाइए, हर्बल और बहुत ही अच्छा. और आई थिंक इसको आए हुए 1-1.5 महीना ही हुआ है मार्केट में, बट दिस इज मस्ट हैव इन योर ब्राइडल मेकअप किट. अगला जो और हाँ, अगर आपका कार्ड बना है तो ये 475 से भी कम का मिलेगा आपको. अगला प्रोडक्ट है, इसी के साथ लॉन्च हुआ था, लोटस मेकअप मिजलर क्लिंजिंग वाटर. जो मिजलर वाटर होते हैं वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं. अगर आप नॉर्मल मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी धीरे धीरे और स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं होगी और परफेक्ट नहीं लगेगी. आफ्टर सम टाइम उसमें फाइन लाइन बन जाएंगी, फाइन लाइन मतलब चेहरे पे जो लाइंस बन जाती हैं जैसे यहाँ बन जाती है, आईज के पास बन जाती है. और अगर आप मिजलर वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे ब्रांड के, आपके साथ ये जो एजिंग वाली प्रॉब्लम है ये बहुत दिन बाद होगी अगर होगी तो. और खान पान आप अपना अच्छा रखें, देशी घी ज़रूर खाएं दोस्तों और उससे कोई मोटा नहीं होता है. तो ये है लोटस मेकअप का आई लिप्स एंड फेस मेकअप रिमूवर एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रेटर. ऑल स्किन टाइप है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें कोई एल्कोहल या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है. प्राइस इसका बहुत ही बढ़िया है, 275 100 ml इसमें आपको मिलता है. और ये भी हेजल एक्सट्रैक्ट के साथ आता है, वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, इंडिया में बना है एंड इसके जो इफेक्टिव मिजलर पार्टिकल है जो कि आपके पूरे फेस के मेकअप और इम्प्योरिटी को रिमूव कर देंगे, उसके लिए आपको कॉटन या कॉटन वाइप या फिर आपको फेस टिश्यू एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी. वैसे तो बेस्ट होते हैं कॉटन पैड्स जो कि आप उस पर जेंटली लेकर के अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है एंड बहुत ही अफोर्डेबल. तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोटस हर्बल्स का मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा एंड दिस इज बेजिल टोन क्यूकम्बर एंड बेजिल क्लेरिफाइंग एंड बैलेंसिंग टोनर. ये जो टोनर है ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए है और इसमें ना दो टोनर आते हैं, मैं आपको दूसरा टोनर भी दिखा देती हूँ, मेरे पास दोनों ही हैं, मैं क्या करूँ. ये है लोटस हर्बल्स रोज टोन रोज पेटल्स फेशियल स्किन टोनर. दिस इज एल्कोहल फ्री एंड ये 1 मिनट में आपकी स्किन को टोन कर देते हैं दोनों ही टोनर. बट दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्योंकि रोज वाटर हर एक ब्रांड में आते हैं लेकिन जो बेजिल टोनर है 100 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी के साथ, ये आपकी स्किन से ना धीरे धीरे आपके चेहरे पर जो झाइयाँ होती हैं, काले काले हल्के से तिल होते हैं, उनको धीरे धीरे दूर कर देता है. धीरे धीरे इन द सेंस अगर आप एवरीडे यूज़ कर रहे हो तो 1-1.5 महीने में कम कर देता है. और इसमें जो तुलसी की पत्तियों का परफेक्ट ब्लेंड है और इसमें जो खीरा है यानी कि क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, वो आपके स्किन का जो नेचुरल पीएच बैलेंस है उसको बनाए रखता है और कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा है. पोर्स को टाइट करता है, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा
एजिंग वाली साइंस आ रहे हैं तो उसको ठीक करता है, पॉल्यूशन से दूर रखता है, आपके मेकअप को बहुत ही आराम से रिमूव कर देगा। बेस्ट पार्ट है स्प्रे के साथ आता है, जस्ट सी द पंप, जी हाँ। और इसको आप फेस पर स्प्रे करके और हल्का सा फेस टिश्यू, कॉटन वाइप या कॉटन पैड लेकर के आप पोंछ सकते हैं। आप इसको सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें पैराबेन है, जी हाँ इसमें पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन भी है, मेथिल पैराबेन भी है, एंड इसमें नीम भी है, फ्रेग्रेंस भी है, ग्लिसरिन है, क्यूमिन सत्व है यानी कि क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, और इसमें वाटर भी है, ओसिमम है, बेजिलिसम है यानी कि बेजिल एक्सट्रैक्ट यानी कि तुलसी, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, एंड इसको इस साल अमेजोन का नंबर वन टोनर अवार्ड भी मिला था बिकॉज ऑफ इसकी क्वालिटी। तो ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं दोस्तों, 13 के 13 प्रोडक्ट, इनमें ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैं और भी ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि लोटस का जो हिप्नोटिक आईलाइनर है वो, एंड लोटस के जो आई शेडो पैलेट्स हैं जो कि वेगन आई शेडो पैलेट्स हैं वो, बट फिर भी ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये है मस्ट हैव, आपके पास होने ही चाहिए। और इनमें से अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि ये वेगन प्रोडक्ट है और लोटस के आउटलेट से लेंगे तो आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि आपने फेक तो नहीं खरीद लिया है। बात करें इसकी फेयरनेस क्रीम की या फिर और भी जितनी भी चीज़ आती है, इसमें बेबी केयर रेंज भी बहुत अच्छी आती है, और ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। एक्चुअली बेबी केयर रेंज का मुझे कोई यूज़ नहीं था इसलिए मैंने उसका रिव्यू नहीं किया दोस्तों। अगर आपके घर में बेबी हैं और आप चाहते हैं तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। हाँ, बात करूँ लोटस का जो फेस मास्क आए हैं आजकल जो मूजी मूजी टेक्सचर में, वो भी अच्छे हैं, बट एज सच उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इसलिए मैंने इस लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया। तो ये जो 13-14 प्रोडक्ट हैं ये है मस्ट हैव, और इन्हें इस्तेमाल कीजिए। बात करें कॉम्पैक्ट की या फाउंडेशन की या फिर ब्लश की, ठीक है, बट अनदर ब्रांड्स में भी अच्छे आते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इसी ब्रांड में बहुत अच्छी आती हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल पर अनदर वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। एंड मैंने जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है वो लिप बाम से रिलेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें कम पैसे में मिले तो आप नायका या फिर किसी ऑनलाइन ब्यूटी साइट से परचेज़ कर लीजिए, आपको वहाँ भी ये चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। बाय बाय।